नमस्कार आप सबका। सबसे पहले शेरौत से आए हमारी टीम, सभी अतिथि, सभी कलाकार जो आज के इस उत्सव में रंग भरने देश के कोने कोने से आए हैं, और मेरी प्यारी सभी पिंक्स का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के लिए आज शब्द कम है। आज पिंकिश ने यहाँ मौजूद सभी लोगों के माध्यम से हर नारी की आवाज़ बनकर उद्घोष किया है कि ये उत्सव है नारीत्व का। आज का मौका लेना चाहूँगी मैं आप सब से पिंकिश के सफ़र को साझा करने का। सफ़र शुरू हुआ एक सोच से, बेड़ियों में दबी आशाओं आकांक्षाओं से दूर, समाज के दोहरे मापदंड में पिसती नारी। बदलाव का इंतजार कब तक, किससे उम्मीद करें कि शक्ति को सशक्त करें? क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि शक्ति का हाथ शक्ति से मिले और मजबूत होने लगे? जहां एक तरफ यह सोच थी, वहीं दूसरी ओर एक युवा सोच थी, लेकिन एक मासूम सवाल लिए। जिंदगी के नाजुक मोड़ पर सवाल था कि ये 5 दिन मेरे लिए मुश्किल है तो मेरी सखियों के लिए भी होंगे। फिर उन तमाम लड़कियों का क्या जिनके पास साफ कपड़ा तक नहीं है? सशक्तिकरण और ये नाजुक सवाल जब आमने सामने आए, तब पिंकिश ने रूप लेना शुरू किया। एक तरफ सोशल मीडिया को जरिया बनाया और औरतों को पिंकिश ने जोड़ने की कोशिश की, उन्हें एक मंच दिया जहां आकर वो अपने विचार व्यक्त कर सके। हमारी सोशल मीडिया टीम की बहुत आभारी हूं मैं, जिन्होंने पिंकिश को लोगों के जीवन का हिस्सा बनाया, एक ऐसा मंच दिया जहां पर हर नारी अपनी पहचान बना सके। वहीं दूसरी ओर नारी की अस्मिता का हक हर नारी को मिले, इस सोच के साथ शुरुआत हुई पैड बैंक की। मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक ऐसा विषय है जिस पर दादी नानी के जमाने से चुप का पर्दा पड़ा है। जीवन चक्र की धुरी ये 5 दिन एक नारी को अधूरा बना देते, और पिंकिश ने बीड़ा उठाया कि अब इस पर खुलकर बात करनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम में हिचक नहीं थी, डर था कि परिवार साथ देगा या नहीं। हमारी अपनी पिंकिश की मेंबर्स, उनको भी ये डर था कि छोटे शहरों में ये बातें कैसे करेंगे। सामाजिक रूढ़िवादी सोच को दरकरार कर आज की बेटियों को कल की सशक्त नारी बनाना था। गांव शहर में हर हिचक को छोड़कर काम होना शुरू हुआ। हिसार का शहर एक उदाहरण है कि कैसे हमारे कामों को हर एक ने सराहा। आज आरती गर्ग अपनी टीम के साथ नारी 2019 में हिस्सा लेने आई हैं। पैड बैंक को आश्चर्यजनक प्रोत्साहन मिला। पल्लवी श्रीवास्तव व उनकी टीम ने दिन रात काम किया, और अब गर्व होता है कि प्रशासन भी हमारे साथ खड़ा है। 150 के करीब गांव से 40,000 से ज्यादा औरतें और लड़कियों को पिंकिश ने तोहफा दिया। तोहफा क्या था? एक नारी के सेहत और सम्मान का। 8 मार्च 2018 को हम एक और तोहफा लेकर आए, और ये तोहफा था पिंकिश की इंग्लिश मैगजीन। ये शायद हिंदुस्तान की अकेली पत्रिका है जिसकी एडिटर ने कभी एडिटिंग का काम नहीं किया, ना कभी उसकी पढ़ाई करी। पिंकिश की मेंबर शालिनी कश्यप आज इस खूबसूरत पत्रिका की एडिटर बनकर एक ऐसे रूप में सबके सामने आई हैं कि बड़ी बड़ी पत्र और पत्रिकाओं के लेखक एडिटर्स उनके काम को सराहते हैं। ये पत्रिका हर नारी की अपनी मैगजीन है,
जहाँ कहानियाँ हैं नारी की और उनके नारीत्व की, और साथ जुड़ने लगे हैं आसमान के वो तारे जिनके बारे में हम सिर्फ सुना करते थे। डॉक्टर किरण बेदी, तबस्सुम जी, पिनाज मसानी जी, अरुणिमा सिन्हा और कई बड़े नाम हैं जो इस सफर में हम सबके साथ हैं। सत्ता के गलियारे से लेकर ढेरों की भीड़ में अपनी पहचान खोजती हर नारी की अपनी पत्रिका सशक्तिकरण का अनोखा उदाहरण है। नारी 2019 में हम अपनी मातृभाषा हिंदी में भी पत्रिका लेकर आ रहे हैं, जिसका संचालन कर रही हैं पूजा कौशिक। गांव शहर के हर कोने तक हम पिंकिश को पहुंचाना चाहते हैं। जब अभिव्यक्ति का सफर शुरू हुआ तो बात लिखने तक ही क्यों सीमित रही, अब वो बात बोलने तक पहुंची और एक मंच बना पिंक माइक, जिसका उद्देश्य था दिल खोल के कहो हर बात। पिंक माइक ने हर नारी को अपनी बात को कहने का मौका दिया। हुनर का मंच, आशाओं का मंच, अभिलाषाओं का मंच, ये मंच कला का सम्मान करता है, किंतु मन की अभिव्यक्ति ही इसका उद्देश्य है। नारी जीवन में अभिव्यक्ति का महत्व उतना ही है जितना सांस लेने का। पिंक माइक सफर को अब एक उत्सव के रूप में लिया जाने लगा। नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हिस्सा है नारी की सुरक्षा का वादा। नारी की सेहत, अस्मिता और उसकी बेबाक उड़ान तभी संभव है जब वो सुरक्षित महसूस करे। समाज में नारी को मिलने वाली असुरक्षा की भावना से हम सभी वाकिफ हैं। ठीक है, वैसे इतना भी काफी। इसी मुद्दे के लिए शुरू हुआ पाखी, जिसने बीड़ा उठाया औरत को उससे हिस्से का आसमान देने का। कानून की पेचीदा बातों में उलझी नारियों को मार्गदर्शन दिया पाखी ने। शैली और विनीता ने इसे एक रूप दिया है जिन पर आगे अभी बहुत काम बचा है। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी, पिंकिश एक सकारात्मक सोच के साथ काम कर रहा है। देश क्या कर रहा है हमारे लिए, इससे ज्यादा हम ये मानते हैं हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। पिंकिश की यही सोच है, बदलाव हमसे ही तो शुरू होगा। हम क्यों इंतजार करें कि कोई बाहर वाला आए और समाज बदले। अगर हमें समाज बदलना है तो सबसे पहले हमें ही आगे आना होगा। नारी में नर भी है और सशक्तिकरण में भी नर शामिल है, यही सोच है पिंकिश। बुरी से बुरी परिस्थिति में हिम्मत से काम लेने की नारी शक्ति है पिंकिश, जिसने समाज के अनेकों तबकों को छुआ और देश पर आई आपदा से जूझने में अपना योगदान दिया। चाहे सर्दियों में गर्म कपड़े जरूरतमंदों में बांटने हो, चाहे अनाथालय में प्यार के कुछ पल बांटने हो, या केरला में आई हुई आपदा में रातों रात वहां मौजूद देशवासियों की मदद करनी हो, हर कदम पर पिंकिश ने अपना योगदान दिया। पिंकिश आने वाले समय में साथ चाहता है आप सबका, सत्ता से लेकर समाज तक। कॉरपोरेट में काम करने वाले भाई और बहनों दोनों से गुजारिश है, पिंकिश की ताकत बनिए। शिक्षा के बढ़ते स्तर के बावजूद कामकाजी महिलाओं की संख्या में कमी है। हम चाहते हैं कि कामकाज की जगह को विमेन फ्रेंडली और मदर फ्रेंडली बनाया जाए। सोचिए, अगर देश की 50% संख्या नहीं मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर देश के हित में काम में करे तो क्या बात है। आज का उत्सव मौका है धन्यवाद देने का हर उस पिंक का, जो देश के कोने कोने में बैठ अपनी सकारात्मक सोच से हमें मजबूत करती है। गुरुग्राम की डॉक्टर शालिनी चौधरी, कलकत्ता से आई देवांचना, हिसार की आरती, वडोदरा की भी आरती,
कटक से आई भावना, पुणे से आई नेहा, हर वो नाम जो अपनी कोशिश कर रहा है आज धन्यवाद और शाबाशी का पात्र है। ये शुरुआत है बदलाव की। नारी 2019 हम समर्पित करते हैं हर उस नारी को जिसने पुलवामा में अपने वीर सपूतों को खोया है। भारत वीरांगनाओं का देश है, हर माँ शक्ति स्वरूपा है और जब जब शक्ति को ललकारा गया है नारी काली बनकर जवाब देती है। आज हम अपनी सभी नारियों को, आज हम सभी नारियां अपने वीरों को नमन करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। पिंकिश की ताकत आज हर वो नारी है जो गर्व से स्वयं को पिंक कहती है। हाथ से हाथ बढ़ाते ये सफर आज हमें यहाँ लेकर आया है। नारी देश का सबसे बड़ा और अनोखा मंच, नारी जीवन के हर पहलू को छूती पिंकिश आज यहाँ इस उत्सव के लिए आई है। ये उत्सव है शक्ति का, स्वालंब का, नारीत्व का। आइए आज आप हम सब मिलकर इस उत्सव को, इस नारी को सेलिब्रेट करें, उनके बारे में बातें करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मिले और पिंकिश के साथ जुड़कर समाज के उत्थान में सहयोग करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने का, हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू।